दोस्तों सीनियर सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे आइसप्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डर को चलाना। सबसे पहले जो मैंने पीछे बताया आपको कि आप आइसप्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डर को कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं आइसप्रिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से, और जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में वो डाउनलोड हुआ होगा तब आपको आइसप्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डर को खोलना है। आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड मेन्यू बार में हेल्प, कम्युनिटी, अबाउट एंड अपडेट के ऑप्शन दिखाई देंगे। हेल्प में आपको ऑनलाइन हेल्प मिलता है, आपकी डिफरेंट जो भी वेरियस क्यूरीज होती है उनके बारे में आपको हेल्प मिलता है। कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी है वो ये सब वो यूज़र्स है जो आइसप्रिंग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप बहुत सारे जो आपके प्रश्न हैं या आपको कहीं पे कोई टेक्निकल इशू आ रहा है या ठीक तरह से आइसप्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा है, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस कम्युनिटी लैंडिंग पेज पे मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके यहाँ पे रिप्लाई भी दिए गए हैं। कुछ तो आइसप्रिंग के जानिब से मिले हैं उनके रिप्लाई, और कुछ तो जो दूसरे यूजर्स हैं उन्होंने रिप्लाई दिए हैं। स्टैंडर्ड मेन्यू बार के ठीक नीचे आपको न्यू रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन आ जाएगा, और आप अपने स्क्रीन साइज को कस्टम कर सकते हैं जितना स्क्रीन साइज आपको रिकॉर्ड करना है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आइसप्रिंग स्क्रीन रिकॉर्डर में। और सबसे पहले एक लाल बटन दिखेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक माइक का बटन है, उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने माइक को, ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं। अगर आप अपने वॉइस को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं या सराउंडिंग्स में कोई भी म्यूजिक या कोई भी वॉइस इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, आप इसको अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक माइक के आगे आपको वीडियो का रेजोल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप अपने वीडियो का रेजोल्यूशन कितना रखना चाहते हैं। और आगे एक सेटिंग मिलेगा, सेटिंग पे क्लिक करते हैं आप शॉर्टकट चूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ डिफॉल्ट शॉर्टकट है F9, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज या रिज्यूम कर सकते हैं, और एस्केप से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं, और F10 से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करें माइक्रोफोन द्वारा, तो आप यहाँ पे इस चेकबॉक्स को चेक कर लीजिए तो आपका वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप अपनी वॉइस या जो भी आगे पीछे कोई भी शोर है वो आपकी वीडियो में आ जाए, इसको आपको अनचेक करना है। इसके ठीक नीचे रिकॉर्ड सिस्टम साउंड्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसको चेक रखेंगे जो भी आपके कंप्यूटर में साउंड्स रिकॉर्डिंग के द्वारा रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसको हम ओके करने के बाद अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपको बताते चले, जो भी आप रिकॉर्डिंग इस आइसप्रिंग द्वारा करेंगे वो सारी रिकॉर्डिंग WMV फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, और बहुत सारे वीडियो एडिटर्स उस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं। WMV फॉर्मेट को MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक वीडियो कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी, और हम आपको बताएंगे एक इजी टू ऑपरेट एंड फ्री वीडियो कन्वर्टर के बारे में, मीरो वीडियो कन्वर्टर। मीरो वीडियो कन्वर्टर को डाउनलोड करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.miroVideoConverter.com। आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, और यहाँ पे डाउनलोड मीरो वीडियो कन्वर्टर आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक कर लीजिए, आपके पास एक इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलर पे क्लिक कर लीजिए, आपके पास कुछ इस तरीके का आइकन डेस्कटॉप पे बनेगा। डेस्कटॉप पे आइकन बनने के बाद आपको इस पे डबल क्लिक करनी पड़ेगी, और आपके सामने मीरो वीडियो कन्वर्टर खुलेगा। मीरो वीडियो कन्वर्टर खुलने के बाद आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुलेगा, और इसमें आप WMV किसी भी रिकॉर्डिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग यहाँ पे बनाई हुई है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गई मीरो वीडियो कन्वर्टर में। यहाँ पे फॉर्मेट चूज कर सकते हैं आप वीडियो फॉर्मेट, जैसे मैंने MP4 रख दिया, कन्वर्ट टू MP4 यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी MP4 में। फिर आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, और किसी भी वीडियो एडिटर में एडिट कर सकते हैं। अब अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सीनियर सर्कल
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।